झूम ऐ दिल वो मेरा जान बहार आएगा। ओहो टंग वाला खैर मंगदा टंग लौर दा होवे ते भावें चंगदा टंग वाला खैर मंगदा। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली के नाम। दोस्तों आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए ऐसे गुलकार की बात करने जा रहा हूं जो पाकिस्तान फिल्मी तरीके के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर गुलकार थे, जो हर रंग हर अंग और हर ढंग में गाते थे। वो पाकिस्तान के ऐसे गुलकार थे जिन्होंने 1962 में अपने फिल्मी फनी कैरियर का आगाज किया और 1995 तक वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे और उन्होंने अपने 3 दहाइयों पर मुनसर फिल्मी कैरियर में 700 से ज्यादा फिल्मों के लिए गाने गाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मरूफ गुलकार मसूद राना की। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, क्वेटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहां कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अजीम गुलकार मसूद राना 9 जून 1938 को सिंध के शहर मीरपुर खास में पैदा हुए। मसूद राना का पूरा नाम मसूद अहमद राना था। उनका तलक एक जिमीदार घराने से था जो जलंधर इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आया था। गाने का शौक मसूद अहमद राना को बचपन ही से था। उन्होंने 1955 में अपनी गायकी का आगाज रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया। 60 के अशरे में उन्होंने कराची में एक म्यूजिक बैंड बनाया जिसमें उनके साथ अदाकार नदीम जो कि उस वक्त नजीर बेग हुआ करते थे और गुलकार अखलाक अहमद शामिल थे। और हम सबको मालूम है कि नदीम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अदाकार वो पहचान रखते हैं जो दूसरे किसी अदाकार को ना मिल सकी। और अखलाक अहमद का शुमार उन गुलकारों में होता है जिनकी आवाज की गूंज इंडिया तक पहुंची और उनके ज्यादातर गाने किशोर कुमार ने भी अपनी आवाज में गाए। 1962 में हदायतकार इकबाल शहजाद की फिल्म इंकलाब से मसूद राना ने अपने फिल्मी गीत गाने की ख्वाहिश पूरी की। मसूद राना का पहला फिल्मी गीत एक तराना ही था और उस तराने के बोल थे, मशरक की तारीख फजा में नया सवेरा फूटा है, अब ये राज खुलेगा सब पर कि किसने किसको लूटा है। मसूद राना के इस गाने की मदासराई उस वक्त के सदर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने भी की थी। हल्के फुल्के रोमांटिक गाने हों या अलमिया दुने, शोक या फिर लंबी ताने, मसूद राना हर किस्म के गीत गाने में महारत रखते थे। खासतौर पर ऊंची सुरों में गाना गाने में वो बेमिसल गुलकार थे। उनकी आवाज फिल्मों में कहानी और मुकालमों की तरह लाजमी समझी जाती थी। रोमानवी गीत ही नहीं तरबिया तुनों और गमगीन शायरी को अपनी दिल गदास आवाज देने वाले मसूद राना वर्सटाइल फनकार थे और उनकी इस खूबी ने उन्हें अपने दौर के दीगर गुलकारों में मुमताज किया हुआ था। मसूद राना ही पाकिस्तानी फिल्मी तरीक के वाहद गुलकार थे जिन्हें उर्दू पंजाबी फिल्मों और गीतों की सेंचुरियां बल्कि डबल सेंचुरियां बनाने में मकाम हासिल था। गुलकार मसूद राना का फनी कैरियर 4 अशरों पर महित है लेकिन उनके गीत 8 अशरों पर फैले हुए हैं जो एक मुनफरद रिकॉर्ड है। मसूद राना के गीत बाप और बेटों पर भी फिल्माए गए जो एक और अजूबा था। अकमल, मुनव्वर ज़रीफ, सुल्तान रई, दिलजीत मिर्जा, रियाज शाहद के बाद उनके बेटों बिलतरतीब शहबाज अकमल, फैसल, मुनव्वर ज़रीफ, हैदर सुल्तान, दिलावर और शान पर उनके गीत फिल्माए गए। यानी कि वो ऐसे गुलकार थे कि अदाकारों के वालदेन पर भी उनके गीत फिल्माए गए और उनके बेटे जब फिल्मों में अदाकारी करने के लिए आए तो उन पर भी उनकी ही आवाज में गीत फिल्माए गए जो कि सुपरहिट हुए। इसी तरह अदाकारों के साथ साथ मसूद राना गुलकार को यह भी एजाज हासिल है कि मौसीकार बाप बेटों के साथ उन्होंने नगमा सराई की जिनमें रशीद अत्रे, मास्टर अनैस हसैन, बाबा जी ए चिश्ती और सफदर हसैन के बाद उनके बेटों बिलतरतीब वजाहत अत्रे, मास्टर तफैल, तस्कीन चिश्ती और मौसीकार अब्बास सफदर के नाम आते हैं। मसूद राना के अगर मशहूर गीतों की बात करें तो उनमें तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं बहुत ही सुपरहिट गाना था। ये ऐसा मेलोडियस गाना है कि जितनी दफा भी सुने दिल नहीं भरता। तुम ही हो महबूब मेरे,
मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों न इकरार करूं। इसी तरह पंजाबी फिल्मों की बात करें तो पंजाबी फिल्म का उन्होंने एक गाना गाया था, फिल्म का नाम था डाची और गाने के बोल थे तांगे वाला खैर मांगदा, तांगा लाहौर दा होवे ते बावे जंगदा। ये भी अपने दौर का बहुत ही मकबूल गाना था। अगर फिल्म भरिया मेला की बात करें तो उसका एक गाना आशका तू सोना मुखड़ा लुकान ले सजना ने बूहे उत्ते चिक तान ले, ये भी बहुत सुपरहिट गाना साबित हुआ था। और अगर अलमिया गाने की बात करें तो फिल्म चांद और चांदनी का ये गाना कौन भूल सकता है, तेरी याद आ गई गम खुशी में डल गया। अदाकार नदीम, अदाकार मोहम्मद अली और वहीद मुराद के लिए 70, 80 और 60 की दहाई में बनने वाली फिल्मों में उन्हीं की आवाज को बतौर बैकग्राउंड इस्तेमाल किया गया। अगर उनके फिल्मी तरानों की बात करें तो उनमें मिल्लत का पासवां है मोहम्मद अली जना। 80 की दहाई, 90 की दहाई में जिन लोगों ने पाकिस्तान टेलीविजन को देखा है तो हमेशा 14 अगस्त और दूसरे कौमी दिनों पर यह गाना उनकी आवाज और उनकी वीडियो में शामिल किया जाता था। इसी तरह सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, ये उर्दू टेक्स्ट में भी शामिल किया गया था और इसे उन्होंने फिल्म खुशिया के लिए गाया था। उनका एक बहुत ही मशहूर गाना जो 1965 की जंग में मशहूर हुआ, उस तराने के बोल थे मजाहदो जाग उठा है सारा वतन, और इस तराने को फिल्म मजाहद में शामिल भी किया गया था। इसी तरह उनका एक और तराना फिल्म आका दरिया में शामिल किया गया था और उस तराने के बोल थे ए वतन हम हैं तेरी शम्मा के परवानों में। मसूद राना को अल्लाह ताला की दी हुई खुदादाद सलाहियतों की वजह से उन्हें पाकिस्तानी रफी कहा जाता था। हालांकि उनका अपना स्टाइल था और ऊंची सुरों की गायकी में वो पूरे बरसगीर में अपना सानी नहीं रखते थे। फिल्मी गायकी के सुनहरे दौर में कहा जाता था कि बरसगीर में दो ही मुकम्मल फिल्मी गुलकार हैं, इंडिया में मोहम्मद रफी और पाकिस्तान में मसूद राना। दोस्तों, हमारे ये पसंदीदा गुलकार 4 अक्टूबर 1995 को हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर अपने खाल के हकीकी से जा मिले। आखिर पर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर से दरख्वास्त है कि कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मसूद राना का कौन सा गाना आपको पसंद था, कौन सा तराना आपको पसंद था। हम आपके कमेंट्स अगली वीडियो में शामिल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मेरा जान बाहर आएगा, ओहो टंग वाला खैर मंगदा, टंग लौर दा होवे ते पावे चंग दा, टंग वाला खैर मंगदा। मिल्लत का पासवां है मोहम्मद अली जिन्ना। I'm Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.